हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वाले चैनल में और जो ये वीडियो मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि जो भी न्यू यूज़र है, जो एक्सेल वीबीए एक्सेल जो आता है थोड़ा बहुत, अगर एक्सेल जाता है आपको और वीबीए भी सीखना चाहते हैं, तो वीबीए के लिए मैं आपको एक ईजी वे बताऊँगा कि जिसके थ्रू आप वीबीए को सीख सकते हैं और कैसे इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आप बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या तो आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, उनके थ्रू भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए एक बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप और छोटे छोटे मॉड्यूल बना कर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके आप एक्सेल वीबीए को कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे करके एक मतलब एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ। इसमें मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करूँगा और उसके थ्रू आपको लगेगा जब मैं एक्टिविटीज़ करूँगा कि इतना हार्ड नहीं है। बस इसमें थोड़ा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप स्टार्टिंग में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब रटना पड़ेगा या अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी मॉड्यूल बनाएंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो भी आपको मतलब गूगल है आजकल तो सब चीज़ के लिए, तो गूगल से आप इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या इसमें मेरी वीबीए के थ्रू आपको बताऊँगा आज। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट F11 करके एक मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ। ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ कि जिससे कि मैं अपने मतलब मैं हमेशा अपने मॉड्यूल को इतना मतलब पूरा फुल भी रखता हूँ। अगर फुल तब अभी मेरे को इतना मतलब रिसाइज करा हुआ है मैंने इसको, जिससे कि आपको दिखा सको कि आप एक्सेल भी देखें और यहाँ पे भी देख सकें। तो आपको एक इस तरह का मॉड्यूल खुल जाएगा। अगर ये मॉड्यूल नहीं खुलता है, अगर आपका ब्लैंक अगर रहता है इसके पीछे, तो आप इंसर्ट में जाके अभी 1 2 3 4 में 3 मॉड्यूल है, तो मैं एक मॉड्यूल और एंटर करूँगा तो एक फोर्थ मॉड्यूल यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो डबल क्लिक करके इसके अंदर की आप कोडिंग देख सकते हो, अगर कोडिंग उसमें अवेलेबल है तो। तो सबसे पहले मैं एक सबसे हमारा मतलब सब रूटीन स्टार्ट होता है, तो कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं इसका, माई प्रैक्टिस। आप ज़रूरी नहीं है कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको इसको। और इसमें मैं आपको एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा। जैसे कि मुझे एक यहाँ पे एक कुछ भी एक डेटा तैयार करना है मुझे यहाँ पे इस तरह से कि मेरे को, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं करूँगा, मेरे को सारा जो डेटा बनाना है वो बनाना है इसके थ्रू, मतलब इस मॉड्यूल के थ्रू। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करूँगा। तो मैं जैसे रेंज A1 पे लिख देता हूँ डेट, रेंज A1, जो रेंज A1 होगी उसका जो हेडर का नाम रख देता हूँ मैं। रेंज A1 में हमारा लिखा होगा डेट, जो भी मैं इस कोड के अंदर लिखता हूँ तो वो डेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब रेंज A1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डेट लिख देगा। तो रेंज A1 के बाद मैं लिखता हूँ रेंज। आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या क्या लिखना होता है, क्या कैसे कैसे करना होता है, और कैसे कैसे आप वीबीए को छोटे छोटे मॉड्यूल छोटी छोटी एक्टिविटी करके आप इजीली कर सकते हैं। अगर एक बड़ा मॉड्यूल आपने देख लिया तो आप तो, अगर आप नौसिखिए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर अपना मतलब कुछ भी कोडिंग कर रहे हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और तो आप सोचोगे कि बाद में यार मेरे बस का तो है नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटी से बड़ी एक्टिविटीज़ पर जाए। तो दूसरे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम B1, यहाँ पे B1 में टाइम लिखेगा। और ठीक है, बस इतना ही करते हैं। B1 ओके, रेंज C1 भी कर देते हैं। रेंज अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ इन सबका, C1 इक्वल टू मंथ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, देखिए A1 में तो मैंने डेट लिख दिया है, तो मैं रेंज A2 से लेके A10 तक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेट। ये देखिए ये हेडर, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा था तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया डेट में, सिर्फ यहाँ पे डेट टाइप होगी A2 से लेके A10 तक। इसी तरीके से मैं रेंज B2 से लेके B10 तक कर देता हूँ इसे टाइम। देखिए कोट में नहीं लिख रहा हूँ तो ये फार्मूला है बेसिकली, और ये टाइम का यहाँ पे टाइम आ जाएगा यहाँ पे। और रेंज C1
टू सी टेन, इसमें चलो मैं लिख देता हूँ जैन, ये मैंने कोट में लिखा है, मतलब यहाँ पे जैन टाइप होगा। और मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया यहाँ पे, फिर इस वाले इसमें मंथ लिख दिया, इस तरह से ये डेट आ गया। अब मुझे सपोज़ जो मेरा डेटा बनेगा उसमें एक हेडर लगाना है, नहीं मुझे ऐसा करना है डेट को रेड में, जो मेरे ये टेक्स्ट यहाँ पे टाइप होंगे डेट रेड में, टाइम को ब्लू में और मंथ को ग्रीन में कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए होता है मैं रेंज, ये बहुत बेसिक है बेसिकली A1, इससे आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पता चल जाएगा। जो हमारा कलर का होता है वो इंटीरियर से स्टार्ट होता है, इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ उसे VB रेड। इसी तरीके से रेंज B1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ब्लू, फिर यहाँ पर रेंज C1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ग्रीन, ठीक है। और जो मेरा डेटा होगा उसमें मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें एक बॉर्डर भी बना देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ बॉर्डर, तो मेरे को पूरी रेंज में बनाने ना, तो रेंज A1 से करूँगा मैं, कहाँ तक मेरा डेटा C10 तक, C10 डॉट बॉर्डर, बॉर्डर्स आ गया, डॉट कौन सा वाला बॉर्डर करना है, तो इसमें लाइन स्टाइल कर देता हूँ, इज इक्वल टू कर देता हूँ इसे ट्रू, ठीक है। फिर इसमें रेंज A1 C10 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं इसे ट्रू। फिर इसे का रेंज A1 C10 डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट का कलर कर देते हैं हम VB येलो कर देते हैं, ओके। जो हमारा डेटा यहाँ पे आएगा, ये देखिए मैंने अभी कुछ भी टाइप नहीं किया, मैं सब कुछ यहीं पे लिख रहा हूँ। बेसिकली ऐसी चीज़ें करने से क्या होता है कि हमारा जो स्किल, मतलब जो हमारा एक तो पहले कीवर्ड का हमें पता चलता रहता है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में ये क्या होता है कि अगर आपका फॉर्मूला गलत भी हो तो हैश एन हैश वैल्यू हैश नेम डीव एरर इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन कोडिंग में क्या होता है, अगर आप अभी तो आपको देखने में ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस की है मैंने, इसके बाद ही इतना आया है। अभी भी मैं इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। तो जो मतलब जो भी है, मतलब जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो भी कीवर्ड सीखेंगे। और मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसे होता है कि ज़िंदगी भर सीखनी ही पड़ती है, हर एक बार लेकिन आपको लॉजिक आ गया तो इसके बाद आप ऑटोमेटिकली इसको बिल्डअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे रन करा के देख ही लेते आप क्या हुआ। बेसिकली देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, F8 करके मैं मैन्युअली रन करता, F8 से हमारा मैन्युअली रन होता है। अगर F8 करके कहीं पे आपका अटक जाता है तो ये हमारा रिसेट का बटन होता है, इसे क्लिक करेंगे तो येलो जो ये हाईलाइटेड होता है ये हट जाता है, और इसके बाद आप सीधा मेन पे पहुँच जाते हैं। देखिए A1 पे मैंने डेट लिखा था, डेट आ गया, B1 पे टाइम लिखा था, टाइम आ गया, C1 पे मैंने मंथ लिखा था, यहाँ पे आ गया। इसके मैंने बगल में इसीलिए खोला हुआ है कि जिससे कि आप देख सके इसे। फिर A2 से A10 तक मैंने डेट, ये देखिए इसको मैं थोड़ा ऑटो फिट कर देता हूँ, डेट आ गया, ये सिस्टम का टाइम दिखाता है, सिस्टम की डेट जो सिस्टम में होता है वही आता है बेसिकली। अभी 6:51 हो रहे, तो टाइम आ गया आपका 6:51 होगा, सेकेंड में भी आ गया। और ये देखिए मैंने लिखा ना B2 to B10, फिर F8 कर देता हूँ, यहाँ पे जैन जैन आ गया। फिर A1 का इंटीरियर डॉट कलर VB रेड हो गया, B1 VB ब्लू, और C1 का ग्रीन। A1 to से बॉर्डर लाइन स्टाइल, देखिए लाइन स्टाइल में आ गया आपका। A1 to C1 फॉन्ट बोल्ड हो गया है, और VB येलो तो दिख नहीं रहा है, और मैं ऐसे कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। देखिए अगर इस कोड को अगर आप दोबारा भी अगर इससे एक बार में ही रन हो जाता है, जो ये हमारा ये वाला बटन होता है जिसमें लिखा है रन सब यूज़र फॉर्म या F5 भी प्रेस करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। तो देखिए कोडिंग तो हमने यहीं पे करी है ना, जैसे 10 बार करें या 20 बार करें तो इसी को ओवरराइड करता रहेगा जितनी बार भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड चेंज हो रहा है, मैं F5 बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड चेंज हो रहे हैं, तो सेकेंड को दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप एक छोटे छोटे मॉड्यूल बना सकते हैं, पहले आप
फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को डालिए, जैसे लाइन स्टाइल को अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, देखिए लाइन स्टाइल हट गए। अगर इसको मैं ट्रू को फॉल्स कर देता हूँ, बोल्ड को, देखिए बोल्ड हट गया यहाँ पे। वीबी रेड की जगह मैं ऐसे कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन हो गया। डेट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय मंथ, हो गया। और अभी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ग्रीन के बजाय मैं एक्सेल नन कर देता हूँ, इसका मतलब होता है कुछ भी ना रहे यहाँ पे, ये देखो। तो इस तरीके से आप इस तरह से छोटे छोटे कोड बनाइए, मतलब पहले देखिए कि उसमें होता क्या है बेसिकली। इसी तरह के से आप इंटीरियर डॉट कलर, कलर चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने ए बी टू टू बी टेन लिखा है तो बी 100 कर दीजिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे, मतलब एक दिमाग में, मतलब पहले एक सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको करना है पहले शीट हमारी, पहले बी टू में डेटा है, बी टू से सी थ्री में चले जाए, सी थ्री में जाने के बाद ये वाला एरिया को आप बोल्ड कर दे, बोल्ड करने के बाद उसका कलर चेंज कर दे, कलर चेंज करने के बाद उसको हाईलाइट कर दे, हाईलाइट करने के बाद एक मतलब उसे कॉपी करके दूसरी वर्कबुक में, जो दूसरी लोकेशन में, वहाँ पेस्ट कर दें। इस तरीके से आप छोटे छोटे कोडों का अगर, कोड्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली मतलब इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप पहली बारी में आपने देखा दो तीन, एक यूज़र फॉर्म है पूरा फुल हो रखा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप एक छोटे छोटे कोड को देखिए, छोटे छोटे कोडिंग को करिए। तो इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको ये कोड बताया है, तो मैं भी और भी मतलब इसमें और भी मतलब ट्यूटोरियल्स चालूंगा, जिससे में कि आप इजी वे से आप वीबीए को बता सके। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल ट्यूटोरियल के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशल कोई है प्रोजेक्ट जिसमें कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसमें मैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसे बता के आपको मतलब इजी वे में आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगता है कुछ भी है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक डालिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा होगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।